प्लेयर्स हैं वो रेडी होके आ गए हैं, मज़े की बनी है। मैंने ब्रीडा का रैप भी चेंज कर दिया, नंबर प्लेट भी, बैक लाइट भी, इंडिकेटर सब भी चेंज किए, तो वो रहने देंगे। अच्छा भाई, भाई बीआर पे स्मोक किट इंस्टॉल करनी है तो क्या कोई खर्चा आएगा इसका? पूरी किट हो 7000 में लगेगा। जो मैंने स्मोक किट इंस्टॉल करवानी है वो पूरी एक किट होगी। इस तरह की शॉप पे बंदा आए ना गाड़ियों वाले की, दिल करता है हर चीज़ बंदा ले गाड़ी के लिए। अच्छा मोमो स्टेडिंग का क्या रेट है इसका? ये वाला वो ऊपर वाला, ये वाला 55। अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक और मज़े में सब भाई सेंध? आज के इस तरह के हैं कि आज जो है ना नंबर प्लेटें जो है मैं आपको बताई थी वो आज मैं तैयार करवाने के लिए जा, बल्कि तैयार भी पड़ी हुई हैं, उठाने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे एक दो काम और भी हैं जो मैंने आपको सरप्राइज़ बताया था, वो भी मैंने पता करना है, अभी आपको बताना नहीं है। मैंने सरप्राइज़ आएगा फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट बाकी बताएँगे। रेटा पर जाऊँगा, नंबर प्लेट इसकी भी तैयार करवाई है, ग्लॉक भी तैयार करवाई है। फिलहाल इनकी हालतें जो है ना वो इस तरह की हैं, लेकिन जब सर्विस होंगे ना दोनों इंशाल्लाह पप्पू लगेंगे। मौसम बारिश वाला है ना फुल टाइम, इस वजह से मैंने दोनों को साफ़ नहीं किया, वरना अब कभी गंदे हुए ही नहीं होंगे। साइज दोनों का ना मैंने यही रखवाया है, ठीक है। ये जो ब्रीटा की है वो ग्लॉक की है, ग्लॉक का भी यही साइज़ बिल्कुल, और ब्रीटा का भी यही साइज़ है। लेकिन अब ये मैंने लगाई हुई है डबल टेप से, आप लेकिन अब जो मैं बनवा रहा हूँ ना वो मैंने स्क्रू लगाने प्यारे से। डबल टेप का अपना शशका था लेकिन फिर उतर जाती है वो, थोड़ी नंबर प्लेट भारी सी है ना, ये बिल्कुल हल्की पतली बारीक सी है, प्लेट चेक करें तो वो थोड़ी भारी सी प्लेट है, तो इस वजह से डबल टेप मैंने सोचा कि रहने देते हैं। Few inches later यहाँ था मैं नंबर प्लेट्स वगैरह उठाने के लिए, ठीक है, लेकिन मौसम बारिश का था। नंबर प्लेट्स हैं वो रेडी होके आ गए हैं, मज़े की बनी है, आपको दिखाते हैं, चेक करवाते हैं। माशाल्लाह इतने मज़े की नंबर प्लेट्स तैयार हुई हैं ना, दोनों दोनों अपनी अपनी जगह बहुत प्यारी हैं, है फॉन्ट भी एक है, डिज़ाइन भी है, खाली कलर का डिफरेंस है बस। ये अब इस तरह लग रहा है कि आप नंबर प्लेट लगाएंगे फिर कुछ ग्लॉक इस तरह का लगेगा। मुझे लग रहा है कि बहुत मज़े की इसको जो है ना नंबर प्लेट लगेगी। इसमें सुराख नहीं करवाया, अभी मैंने करवाने हैं। और ब्रीटा की जहाँ तक नंबर प्लेट की बात करें, ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त A1 पप्पू। ये मैंने करना ये है कि नंबर प्लेट में सोच रहा हूँ, क्योंकि पूरा ब्रीटा मैंने लुक जो है ना वो चेंज कर दी है बिल्कुल, सोच रहा हूँ कि अभी नंबर प्लेट लगा दूँ या पूरी लुक चेंज करके तो उसी शाइन के साथ कंट्रास्ट के साथ जो है ना ब्रीटा को लगाएं, क्योंकि अभी मैंने मैट में तैयार करा है, एक नंबर प्लेट शाइन में कोई मज़ा नहीं कर रही इस वजह से। बाकी ओवरऑल नंबर प्लेट की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो नंबर प्लेट तैयार हुई है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, चेक करें ब्रीटा, उम्मीद पूरी है मज़ा करेगी, देखो क्या होता है। A few moments late. भाई आपका रेस्ट मार रहा था, एकदम यार साहब की कॉल आई है, कहता है कि आज मौसम जहन बड़ा ज़ालम है और चलते हैं कहीं पे बाइक तेरे पे राइड मारते हैं कहीं पे। मैं कि चलो बड़े दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई तो निकलते हैं, बल्कि जाते हुए पहले इसकी नंबर प्लेट जो है ना वो फिट करवा लेते हैं। शॉप पे आ चुके हैं, नंबर प्लेट में जो है ना वो सुराख वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, सुराख वगैरह हो जाएँ, दूसरी नंबर प्लेट चेंज करके लगानी है। मैंने वैसे जाना इस्लामाबाद वाले साइड पर, कोई रोला ना बनने बाकी खैर है। वाली नंबर प्लेट उतार दी है, चेक करें कितनी ब्रेक है, ये डबल टेप से लगाई थी, ये उतार के रख देते हैं, फिर कभी ज़रूरत पड़ गई लगा लेंगे। अब बस नंबर प्लेट में खराब होने लगे हैं उस पर। नंबर प्लेट वगैरह रेडी है और इस्लामाबाद वाली साइड पे वैसे तो मेरे ख्याल में रोला बन जाता है, मेरे ख्याल में नहीं बाकी रोला बनता है नंबर प्लेट पर। रियान के घर आ चुके हैं जी, ठीक है, और अब जो है ना नंबर प्लेट थोड़ी सी अब आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि सर्विस नहीं हुआ, जब सर्विस होगा तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा करेगा। साथ ही मैच हो गया आगे फोकई के साथ, अभी जा रहा हूँ बस इस्लामाबाद वाली साइड पे, ज़रा गेड़ी शेड़ी मारेंगे, मौसम इंजॉय मारेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। के यान साहब आ गए हैं और हम जो है ना पहले गए इधर शकरपुरी वाली साइड पे राइड मारी है, फिर वहाँ से जो है ना सीधा F9 पार्क जहाँ पे ऑटो शो हुआ था लास्ट टाइम मतलब कि इस्लामाबाद में HSC का जब ऑटो शो हुआ था।
day two. दूसरा दिन हमारा स्टार्ट है और आज बारिश जो है ना हुई है, अभी बस रुकी है थोड़ी देर पहले, मौसम फुल टाइट हुआ है। मसला ये है भाई, गंदे हो गए, वैसे भी गंदे थे लेकिन अब मजीद हो गए। ब्रिटा गया है ठीक है, और माशाल्लाह से ग्लो वाली नंबर प्लेट सूट करेगी। ब्रिटा की भी प्लेट तैयार करवानी है, लेकिन वो जब मैं उसका सारा काम करवाऊँगा, तैयार हुई भी है, इंस्टॉल करनी है, और जब मैं उसको सारा काम करवाऊंगा रैप वगैरह का, तो फिर उसी टाइम जो है ना मैं ब्रिटा की प्लेट इंस्टॉल करूंगा। खाली मैंने रैप नहीं करवाना ब्रिटा को, मैंने ब्रिटा का रैप भी चेंज कर दिया, नंबर प्लेट भी, बैक लाइट भी, इंडिकेटर तब भी चेंज किए, तो वो रहने देंगे। बरहाल जो हो सका जितना भी ब्रिटा को पूरा चेंज करेंगे, इंशाल्लाह यूनिक बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने शहजादे को। पेट्रोल की अगर बात करें तो थोड़ा सा ही है, लेकिन है जो आपकी स्मोक को रोकेंगे वो मेंटेन करेंगे। चलो लग जाएगी। किस तरह मतलब होता है वो? 7000 रुपये लगेगा। प्रॉपर फिटिंग करके देंगे आपको, बटन दबाएंगे स्मोक बाहर। अभी ये जो आपने क्लिप देखे ना, इसका ये सीन था ना कि मैं असल में स्मोक किट मैंने इंस्टॉल करवानी थी, आपको पता ही है, एक तो ऑटो शो के लिए भी और दूसरा वैसे भी शशके के लिए, और जो सही प्रोफेशनल हो, ये नहीं कि मतलब कि एक तो स्मोक किट होती है, बोतल लगाओ ना, तो जो पेट्रोल का मैं आप खाता हूँ, बोतल लगती है और बोतल के ऊपर ये लगता है पेट्रोल वाला, ठीक है, ऑन ऑफ रिजर्व वाला। तो इस जगह पे जो है ना ये बोतल फिट होती है, इस जगह पर कुछ करके बोतल फिट होती है, और उसी के साथ ना बोतल के साथ रिजर्व वाला लगता है, और वहाँ से एक तार वो वेल्ड करते हैं सिलेंसर के साथ, जो आपका एग्जॉस्ट लगा होता है बैंड पाइप के साथ, वो तार वेल्ड करते हैं। जब आप उसको पेट्रोल वाले को ऑन करते हो, अब उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, वरना मैं उसको नाम देके आपको बताता। तो बहरहाल जब उसको ऑन करते हो आप, तो फिर उसमें बोतल में पड़ा होता है डीजल, ठीक है, आप डीजल डलवाते हो बोतल में, जब ऑन करते हो डीजल जाता है यहाँ पाइप के ज़रिए सिलेंसर में, जब सिलेंसर गर्म होता है तो फिर वो स्मोक निकालता है। स्मोक किट है वो, वैसे इस तरह बन जाती है, लेकिन मैंने ज़रा काम करना थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा साफ़ सुथरा भी हो और बेहतरीन किस्म का भी हो, मतलब कि मेरा ये सीन है ना, जो मैंने स्मोक किट इंस्टॉल करवानी है वो पूरी एक किट होगी, उसी के अंदर जो है ना डीजल वाला बना होगा, उसी के अंदर वायर्स वगैरह सारी होंगी। मेरे पास यहाँ पर स्विच लगा होगा, ठीक है, स्विच इस तरह का होगा कि मैं इसको जब स्विच को ऑन करूँगा तो काम वही होगा, लेकिन हाली तरीका जो है ना उसका मुख्तलिफ है, थोड़ा साफ़ सुथरा काम है, लेकिन जब मैं ऑन करूंगा तो फिर जो है ना वो स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। वो मैं आपको इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स ना जब मैं लगवाऊंगा ना, इंस्टॉल करवाऊंगा तब ही बताऊंगा। लेकिन वो इस सारे काम का मुझे बोल रहे थे स्मोक किट का तकरीबन 7000 रुपया कुछ कह रहे थे, कुछ 6000 रुपया कह रहे थे, कुछ 5000 रुपया कह रहे थे, इस तरह के रेट बता रहे थे वो। अभी करोला प्यारी का जो है ना वो हॉर्न काम नहीं कर रहा था, ठीक है, हॉर्न जो है वो काम करना, एक स्ट्रिप सी होती है वो ख़राब हो गई थी, तो वो बस मैं आया हूँ इधर सुल्तान के खूह, ठीक है, यहाँ पर वो स्ट्रिप से मैं इसको लगवाता हूँ, सेट करवाता हूँ इस हॉर्न को, रात हो जाएगी वैसे तो जाते जाते, देखता हूँ फिर घर जाके व्लॉग को एंड भी कर देता हूँ। इस तरह की शॉप पे बंदा आया ना करता है, हर चीज़ बंदा ले गाड़ी के लिए। गाड़ी को करोला प्यारी को मैं मॉडिफाई क्यों नहीं करवा रहा, कुछ भाई कहते हैं कि जैन भाई मॉडिफाई कराओ, उसके पीछे एक वजह है, वो वजह जो है वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊँगा, अभी नहीं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको वजह बताऊँगा, फिर आप लोग सही समझोगे कि इस वजह से जैन भाई ने मॉडिफाई नहीं करवाई गाड़ी, ठीक है। बस ब्रेक मारनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा सब्र करना है, इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। गाड़ी गोला नहीं होता जो ला पार्टी गोला होती है। अच्छा, मोमो स्टे, क्या रेट है इसका? ये वाला ऊपर वाला, ये वाला 5500। शुक्र है जी, हॉर्न जो है वो बिल्कुल A1 हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ का मेन मसला था, ठीक है, ये ख़राब हुआ था, ये नया डले 1000 रुपये का मिला है। गाड़ी का काम शाम करवा के आ गए घर वापस, रात हो गई थी, ठीक है, क्योंकि छोटा सा काम था, इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन टाइम लग गया। तो ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना कि नंबर प्लेट नेक्स्ट ब्लॉग में चेंज कर दी या फिर एक बार जो है ना चेंज करें हम पूरा ब्रिटा। उसके अलावा बाइक्स की कोई चीज़ चाहिए, पार्ट चाहिए कोई बाइक का, मतलब कि एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, मडगार्ड हो गया, लाइट्स होगी, फ्रंट लाइट, बैक लाइट, नीचे जो रिमोट लाइट लगी हुई, कुछ भी
इंस्टा पर रब्ता मारें तो आपको मिल जाएंगी। अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ चेंजिंग के साथ। दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब जिस भाई ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।